नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने स्तर पर छात्र है। दोस्तों आज हम जो है पर्सनालिटी 7 जी का क्वेश्चन कर रहा हूँ। दोस्तों इसके पहले वीडियो आपने नहीं देखा तो जाएगा प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे सारे पर्सनालिटी का टेलीफोन वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर क्लास 10 का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे पर्सनालिटी का टेलीफोन वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सारे आकृति में एम समांतर एन यदि कोण 4 अनुपात कोण 6 तो बराबर दिया है 4 अनुपात 5 तो कौन 3 और कौन 7 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट देखकर कौन 4 अनुपात कौन 6 बराबर कितना दिया है 4 अनुपात 5। उसके बाद हम लिखेंगे कौन 4 बटा कौन 6 बराबर 4 बटा 5। हम लिखेंगे मतलब कि कौन 4 बराबर क्या हो जाएगा 4x और कौन 6 बराबर 5x। ठीक है दोस्तों, ये कौन 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, कौन 4 का मान 4x और कौन 6 का मान 5x। अब देखिए दोस्तों ये आप जानते हैं कि जो कौन अगर कौन 1 बराबर कौन 4 ठीक बराबर कौन 5 और बराबर कौन 8, ये क्या सब बराबर होंगे? आप देख लीजिए जितना कौन का मान 1 का होगा उतना ही 4 का होगा, जितना 5 का मान होगा उतना ही 8 का। तो इसका 4 का जितना मान है ये क्या हो जाएगा, इस सभी का मान कितना हो जाएगा 4x के बराबर हो जाएगा। उसी तरह कौन 2 बराबर कौन 3 बराबर कौन 6 बराबर कौन 7, क्या इन सभी का मान भी 5x हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि समूह कोण में क्या होता है आमने सामने की भुजा यानी कि आमने सामने की कोण जो होता है क्या और बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन 4 का मान दिया है 5, कौन 4 का मान दिया है 4x और यहाँ पे कौन 6 का मान दिया है ये आपका 5x। तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या हम लिख सकते हैं कौन 4 प्लस कौन 6 बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कौन 4 प्लस कौन 6 बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कौन 4 का मान कितना दिया है 4x दिया है और कौन 6 का मान 5x, अब बराबर कितना होता है 180 होता है। अब ये 5 और 9 जोड़ेंगे ठीक, 9x हो जाएगा और ये 180, अब 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 20, x का मान कितना आ गया दोस्तों 20 डिग्री, x का मान आपका कितना आ गया 20 डिग्री। और हमको बताना है क्या है कौन 3 और कौन 7 का मान बताना है, तो पहले हम कौन 4 का मान निकाल लेते हैं, कौन 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 1, 4 गुना क्या हो जाएगा कौन 4 का मान आपका दिया है 4x, तो लिख सकते हैं ना 4 गुना 20 40 दूनी 80 हो जाएगा और कौन 6 का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 5x दिया है, तो 5 गुना 20 कितना हो जाएगा 20 500। तब यहाँ पर देखिए आपको बताएं कौन 6 जो होगा कौन 2 और कौन 3 और कौन 7 का मान क्या होगा बराबर होगा, सब बराबर होंगे। उसके बाद 5x दिया था, तब यहाँ पर लिख सकते हैं कौन हमको बताना क्या है 3 का मान बताना है, तो कौन 3 का मान कहाँ है कौन 3 यहाँ पे है ठीक, और कौन 3 और कौन 7 भी यहीं पर है कौन 3 और कौन 7 बराबर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों कौन 3 और कौन 7 और उसी तरह आपका कौन 6 और कौन 2 का मान उतना ही है, तो कौन 6 का मान कितना है 100 है, तो इसका भी मान आपका 100 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कौन 3 का भी मान कितना होगा 100 डिग्री हो जाएगा, कौन 7 का भी मान कितना हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको निकालना था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आकृति 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो दिखाएं कि इन 2 एकांतर कोणों की समविभाजक रेखाएं भी समांतर होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो संकेत दिया है उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन का हम लोग बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम संकेत दिया उसको क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे, उसके बाद जो संकेत दिया उसको उतार लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको कहा है कि यहाँ ए बी समांतर सी डी, ठीक है दोस्तों 2 रेखाएं समांतर यानी कि ए बी समांतर सी डी, ये 2 रेखाएं समांतर है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कोण ए एल पी, ठीक है दोस्तों बराबर कोण पी एल एम, बराबर होगा कि नहीं होगा भाई बोलो, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, बराबर होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कोण ए एल एम जो होगा ए एल एम होगा, इन दोनों कोणों का क्या होगा आधा 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 ही ना होगा, तभी ना जाकर ये क्या होगा ये इस जो कोण का बराबर ये क्या आधा है, दोनों कोण ये भी आधा है और ये भी आधा है, वही लिख सकते था। उसके बाद लिखेंगे एल एम क्यू, ठीक है दोस्तों बराबर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे क्यू एम डी, ये और ये कोण आपका बराबर है, बराबर है। उसके बाद लिखेंगे एल एम डी, ये क्या है इन दोनों कोणों का क्या है इस
ये दोनों कोण जो है इस कोण का क्या है, आधा है, आधा लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि कोण ए एल एम बराबर एल एम डी, आपका ALM बराबर LMD हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ये कोण और ये कोण आपका बराबर है, लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं, इसलिए 1/2 ALM, इसमें यानी कि 1/2 दो कोण बना, इसमें भी दो कोण बना ALD, यानी कि 1/2 दो कोण बना। उसके बाद हम लिखेंगे कोण PLM बराबर LMQ, LMQ हो जाएगा बराबर, यानी कि PLM ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। देखेंगे दोस्तों, माना कि PL तथा MQ दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें L और क्या LM तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है दोस्तों, तिर्यक रेखा काटती है। दोस्तों उसके बाद लिखेंगे यहाँ कोण PLM बराबर एकांतर, क्या पूछा है, एकांतर पूछा है, एकांतर कोण LMQ। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा दोस्तों, अतः समविभाजक रेखा PL तथा MQ एक दूसरे के समांतर है। ठीक है दोस्तों, यही बात आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, लिखिएगा, माना PL तथा MQ दो समांतर रेखाएं, PL तथा MQ दो समांतर रेखाएं जिन्हें LM तिर्यक रेखा काटती है, L और M जो है ये तिर्यक रेखा काटती है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ कोण PLM बराबर एकांतर कोण LMQ हो जाएगा, यानी कि एकांतर कोण होगा, एक दूसरे का सम्मुख हो जाएगा, अतः समद्विभाजक रेखा PL तथा MQ एक दूसरे के समांतर है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें।